एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी पैकिंग कर ली है और हम लोग जा रहे थे अम्मी के घर, और अम्मी के घर से ही तैयार होकर हम जाएंगे सिंदबाद और बाहर ही हम लोग खाना खाएंगे। तो ये छोटा सा एक अम्मी ने गेट टुगेदर प्लान किया था, तो मैं तैयार हो गई हूँ। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि हम वहीं जाके, 6 बजे निकलने का प्रोग्राम था, तो हम वहीं जाएंगे और अब्रिश को वहीं तैयार करूँगी और मैं भी वहीं तैयार होंगी। सैफ तैयार होके जा रहे हैं, तो मैंने इसी हिसाब से सब कुछ पैक कर लिया था। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो प्लान फेल हो गया था, बल्कि अब्रिश को भी वहाँ तैयार नहीं कर पाई मैं, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी और अम्मी बता रही थी सुबह से लाइट गई हुई है। और जब हम लोग घर आ गए थे, फिर ना वापस घर आ गए हम, और फिर हम तैयार होके वहाँ पहुँचे हैं 6:30 बजे, तब भी लाइट नहीं आई थी ना, तो पूरा अंधेरा पड़ा था। तो कैसे उसमें तैयार होते, वही बहुत मुश्किल से तैयार बाज़ दफ़ा हो जाता है, जब हम सोचते हैं वो नहीं होता है। खैर, हम वापस आ गए थे और फिर हम जो गए थे दोबारा तैयार होके, तो वो हम फिर चिंची से गए थे, क्योंकि अब बाइक एक ही है, जो मेरे ससुर की बाइक है वो सेल कर दी थी, सेल आउट हो गई थी। तो इन्होंने बोला कि हमें तो गाड़ी बुक करी हुई थी अम्मी ने, तो हमें वहाँ सिर्फ पहुँचना था, गाड़ी पे ही जाते क्योंकि बुक हुई हुई थी हाई रूफ, तो इसलिए हमारा गाड़ी का कोई काम नहीं था, तो हमने गाड़ी यहीं छोड़ दी थी घर पर। और ये देखें अब्रिश को, मैं दोबारा घर आ गई हूँ, गाड़ी पर तैयार कर दिया था मैंने अब्रिश को, और ये दुपट्टा, ये पूरा जो पहना हुआ है ना इसने, ये सब अम्मी ने दिया था, सब अम्मी ने बनाया है ये, इसका पूरा कमीज शलवार बहुत ही प्यारा इसका लुक है, और फैंसी जूते हैं वो खूसे हैं, और बहुत ही अच्छा सूट था ये, और थोड़ा रेशमीन था ये, तो बहुत ही अच्छे से मैंने इसको तैयार कर दिया है। मैं खुद तैयार हो गई हूँ और ये वक्त हो रहा है कुछ 6 बजे का वक्त है, और अब हम लोग बाहर निकले हैं कि अब हम निकल जाएंगे और हम पैदल जा रहे हैं चिंची की तरफ, तो बाहर रोड पर मिलेगी चिंची। तो यहाँ मैं चिंची में बैठी हुई हूँ और आपको रास्ता दिखा रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग हाई रूफ में बैठ चुके हैं, और अंधेरा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाहर थोड़ी रोशनी हो रही है, तो थोड़ा सा शूट कर मतलब इतनी दिक्कत नहीं है, बस ये कि सबके चेहरे नहीं दिख रहे क्योंकि हाई रूफ में अंधेरा है। तो बस अब हम लोग सिंदबाद की तरफ निकल रहे हैं। चुके हैं और यहाँ पर एंट्री लेने से पहले टिकट लेने होते हैं, तो बस टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर ये खड़ी हुई है अब्रिश, और बस थोड़ा सा इसको भी फ़ोटो वगैरह खिंचवाने को कह रहे हैं, तो फ़ोटो लेंगे। यहाँ पर मेरी बहन है, अम्मी है, और हमारे साथ हमारी फ्रेंड है, और वो शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं, 3 है वैसे तो, लेकिन 2 आए हैं। यहाँ से देखें हम लोग एंट्री ले रहे हैं ये,
बस हम एंट्री ले ली है और इधर बहुत ही सारे झूले हैं, पूरा ही फनलैंड है ये, और छोटे बच्चों के ही नहीं बड़ों के भी झूले हैं, इधर बहुत सारे झूले हैं, पार्क है, और यहाँ जो पार्क है एरिया है वहाँ हम थोड़ी देर बैठे भी, और ये देखें कितना खूबसूरत है ये वाला झूला, और एक ये झूला है, मतलब इधर झूले ही झूले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फनलैंड है, जिन्हें झूलों का बहुत शौक हो वो यहाँ आ जाए। बहुत ही अच्छा बना हुआ था, मान से बता रही हूँ मैं यहाँ पर पहली दफ़ा आई हूँ, मैं इससे पहले यहाँ नहीं आई, और मैं झूला झूलने वाली पर्सन नहीं हूँ, मेरे को झूला नहीं पसंद शुरू से ही, बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल आदत नहीं है झूले झूला वूला झूलने की, मुझे बहुत चक्कर वक्कर आते हैं। देखिए सामने की तरफ कितना प्यारा झूला है ये डक का, और ये वाकई में पानी में तैर रहा है, और ये इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, और ये बच्चों के लिए है, तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, इसमें पानी है, ये पानी में डक बनी हुई है और ये तैर रही है इसमें, अभी हम इसको अब्रिश को बिठाएंगे इसमें। ने झूला झूल लिया था, उसके बाद उसको बहुत मज़ा आया, उसके बाद हम लोग चल दिए हैं आगे की तरफ, और बस एक के बाद एक झूला दिखता जाएगा, हम इसको झुलाते जाएंगे। और ये देखें एक झूला ये है, कितना हल्का चल रहा है ये, इस पर भी बिठाया था अप्रिश को, और तहरीम और जो हमारी फ्रेंड है वो बैठी थी, वो होती है ना ट्रेन, वो ऊपर से नीचे तक आती है, पूरी ट्रेन होती है, बहुत आवाज़ होती है उसमें, उस पर बैठी थी तहरीन, बैठती है बहुत ही अच्छे से बैठ जाती है वो झूले में, और हर तरह के झूले में बैठती है वो, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, तो वो गई थी यहाँ से ऊपर झूले की वो जो ट्रेन है वहाँ झूलने, तो इस ट्रेन में वो झूली थी, और डर लग रहा था इन लोगों को, लेकिन ये कि झूल लेती है ये। और इस तरफ अब्रिज झूलेगी, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया ना हल्का हल्का सा झूला था गोल गोल घूम रहा था, वहाँ अब्रिज झूलेगी, तो बस
आइटम भी है, जैसे ये जो है कॉटन कैंडी और पॉपकॉर्न चिप्स, और एक छोटा सा ना चाय का एक कैफ़े भी है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, और कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम, मतलब बहुत कुछ है। तो हमने इसको यहाँ से ये दिलाया और बस झूला वूला झूल के थक गए थे सब चल चल के। तो हम लोग यहाँ, ये गार्डन एरिया है, इधर हमने स्टे किया था, बैठे थे हम थोड़ी देर और खूब गप्पे शप्पे मारे और निम्को वगैरह ले ली थी हम लोगों ने, तो बस वही इंजॉय करी और बहुत ही मज़ा आया है देखें। और यहाँ पर ना झूले बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा झूले हैं और बहुत ही शानदार लाइटिंग हुई हुई है उन पर, देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग है यहाँ पर, तस्वीर तो आप खींच ही नहीं सकते, इतनी लाइट आ रही थी तस्वीर खींचने में, पिक लेने में बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रही थी। और बस थोड़ी देर हम लोगों ने बैठे यहाँ पर, पानी वगैरह पिया और नीमको वगैरह इंजॉय करी, इसके बाद बच्चों ने खेला यहाँ पर, ये अवरेज तो बहुत ही ज़्यादा खेल रही थी माशाल्लाह से। और फिर हम थे यहाँ पर, फिर उसके बाद हमने दो झूले झूले, एक झूला अवरेज को झुलाया और एक झूला तहरीम और हमारी जो दोस्त हैं फ्रेंड हैं उन्होंने झूला। और बस उसके बाद हम लोग एग्ज़िट हुए यहाँ से, बाहर निकले, तो हमें यहाँ से जाना था खाना खाने, तो हम A1 पेशावरी बारबेक्यू की तरफ जाएंगे, चपली कबाब भी कहते हैं उसे, चपली कबाब होटल, तो वहाँ पर फैमिली रूम हॉल वगैरह बने हुए, तो वहाँ जाएंगे हम A1 की तरफ। तो उससे पहले यहाँ से निकलना ज़रूरी है वर्क से ना, तो हम ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते यहाँ पर। और अबरीश को तो जितने झूले झूला दो उतना ही कम होता है, देखें कितना ज़बरदस्त और ख़तरनाक झूला है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है ये इस वक्त। तो यहाँ पर हमने अब्रिश को झूला झुलाया, ये बहुत हल्का चल रहा था, जो झूले हल्के चल रहे थे वो बच्चों के लिए हैं, और हम यही देख रहे थे कि जो झूला हल्का चले उसी पर अब्रिश को बिठाएं। तो ये है तो ट्रेन, लेकिन काफ़ी धीमी चल रही थी, ये हल्की चल रही थी, तो फिर मैंने बोला हाँ इस पर बिठा दो इसको, तो बस इसको इस पर बिठाया। और ये लोग गई थी, एक बस है वो राउंडर घूमती है वो, तो उसमें गई थी। कृष्ण झूला उतर गए हैं लोग, और यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे फ्लावर लगे हुए थे, और तो मम्मी और पापा का दिल हुआ कि यहाँ तस्वीर खिंचवा लेते हैं, तो मैंने कोशिश भी करी कि तस्वीर खींच लूँ, वीडियो थोड़ी सी बना लूँ, लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पर तस्वीर खींचना बहुत ही मुश्किल है। देखें लाइटिंग कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, फेस दिख ही नहीं रहे हैं, तो इस वजह से फिर वो प्लान कैंसिल हुआ। पूछा था हमने उससे कि हम इधर तस्वीर खिंचवा सकते हैं, उसने इजाज़त दे दी थी, लेकिन लाइटिंग इतनी हो रही थी कि बिल्कुल तस्वीर आ ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा धुंधली, फेस दिख ही नहीं रहा था, लाइट पड़ रही थी। तो और ये देखें कितना ख़तरनाक झूला है, ये ड्रॉप टावर कहते हैं इसको, और बहुत ही भाई पता नहीं लोग कैसे बैठ जाते हैं इसमें, ऐसे नीचे आ रहा होता है, पहले ऊपर जाता है और फिर धड़ाम से नीचे आता है 2-3 दफ़ा, कैसे लोग झेलते हैं, मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के भी। तो बस इसके बाद अब हम लोग एग्ज़िट करेंगे यहाँ से, ये देखें कैसे नीचे आ रहा है, इतना ख़तरनाक लग रहा था ना ये, पता नहीं इसमें कैसे बैठ जाते हैं लोग, बहुत भाई इसमें तो तहरीम भी नहीं बैठी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था इसको देख के भी।
अब हम सीधे जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी में रवाना होंगे हम होटल खाना खाने। देखिए हम लोग आ गए हैं होटल की तरफ और बस गाड़ी लगाई है और अब हम लोग उतरेंगे और सीधे जाएंगे, क्योंकि यहाँ गाड़ी अंदर नहीं जा सकती तो हमें जाना पड़ेगा पैदल। और यहाँ पर बाहर जैसे कोई भी बैठ सकता है जेंट्स के लिए, या कोई भी अकेला आया है तो यहाँ बैठ सकता है। जो फैमिली रूम है, जो फैमिली हॉल है, उसके लिए हमें स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी और ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम स्टेयर्स चढ़ने ही वाले थे, लेकिन सामने ना वो कोई बाबा जी बैठे हुए थे अब खिलौने वलौने लगा करके ना, ये देखें तो वो अपरिश ने देख लिया डॉक्टर वाला सामान और ये इसने लेके ही जान छोड़ी। एक चीज़ के पीछे लग जाती है तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, ये ज़िद मनवा के मानती है। तो बस यहाँ से ये देखा इसके लिए और फिर हम लोग ऊपर गए हैं। वापसी में आके ये लिया हम लोगों ने, जब हम वापसी में आ रहे थे नीचे तब हमने ये लिया और फिर हम गए। अभी हमने इसको नहीं लिया था। तो बस अब हम लोग स्टेयर्स चढ़ रहे हैं और ऊपर जाके बैठेंगे। ये देखें ऑर्डर हमने दे दिया था, ऑर्डर आ गया था। दो कढ़ाइयाँ हैं, ये टिक्के हैं दो, और सैंडविच है, और सलाद रायता चटनी जो होता है। तो बस पराठे थे, रोटी थी, ये सब इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक भी पी थी और बस ये सामान लिया डॉक्टर वाला, क्योंकि अब्रिश की ज़िद बहुत हो रही थी तो ये दिलाया। और फिर हम लोग घर आए अम्मी के और यहाँ से चाय पी और फिर हम लोग चिंची में आए थे, चिंची में ही वापस घर गए। वो बहुत ही मज़ा आया। अभी मैं यहीं करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है वैसे, लेकिन वीडियो के एंड पर आ गई हूँ मैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और घर आने के बाद अब्रिश सो गई थी, बहुत थक गई थी।